ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अब उसे धमकाया तो उसके सहयोगी इसराइल पर मिसाइल से हमला कर देगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बुधवार को कहा कि अगर ईरान को धमकाया गया तो वो इसराइल के शहरों को मिसाइल से निशाना बनाएगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि वे अमेरिका द्वारा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को समाप्त करने के दबाव के बावजूद देश की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाते रहेंगे। बता दें कि अमेरिका ने 2015 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौतों को तोड़ दिया है। इसी के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों में तल्ख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस समझौते के टूटने के पीछे इसराइल है, क्योंकि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के उस कार्यक्रम का दस्तावेज ट्रंप के सामने पेश कर दिया था, जिससे पता चलता है कि ईरान चुपचाप तरीके से परमाणु बम बना रहा, जो कि समझौते का उल्लंघन था। समझौते तोड़ने के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगा दिए, जिसके तहत ईरान दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर सकता है। इसी बीच ईरान के एक वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह अहमद खातेमी ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके देश पर इसराइल और अमेरिका द्वारा हमला किया गया तो ईरान उनका उचित जवाब देगा। खातेमी ने तेहरान में ईद की नमाज में इकट्ठा हुए लोगों से ये भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत असंभव है। उन्होंने कहा, अमेरिकी कहते हैं कि वार्ता के दौरान वे जो कर रहे हैं उसे स्वीकार करना होगा। ये वार्ता नहीं, तानाशाही है। ईरान तानाशाही के खिलाफ खड़ा होगा। खातेमी ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध की कीमत काफी ऊंची होगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर अमेरिका उनके देश को जरा सा भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका और क्षेत्र में उसके सहयोगी देश इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।